श्रावस्ती जिले में कानून व शांत व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक ने कस्बा भिनगवा में किया एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी का बटन दबाने के लिए दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहाँ पर महामहिम राज्यपाल के श्रावस्ती आगमन को लेकर जनपद में शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था के साथ साथ भयमुक्त वातावरण बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ भिनगा कस्बे में डोमिनेशन फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम ईदगाह तिराहा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। तत्पश्चात ईदगाह तिराहा, छावनी, अस्पताल तिराहा व पुरानी बाजार आदि मोहल्ला स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर जनमानस में सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। फ्लैग मार्च के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी जमुनहा सतीश कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भिनगा निर्भय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक सोनमा, प्रभारी निरीक्षक सिसिया, प्रभारी निरीक्षक मल्लीपुर सहित काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में कानून व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा कस्बा क्षेत्र के व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निरंतर पैदल गश्त किया जा रहा है तथा चोरी, लूट आदि विभिन्न घटनाओं की रोकथाम हेतु पिकेट ड्यूटी भी निरंतर लगा, साथ ही निरंतर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर नारी सुरक्षा दल का गठन किया गया है, जो प्रत्येक दिन कस्बा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं बच्चियों को जागरूक करती हैं। इसके साथ साथ यूपी 112 की पीआरबी भी अपने निर्धारित पॉइंट पर भ्रमणशील रहती है। श्रावस्ती जनपद के भिनगा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक स्वयं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकली। इस दौरान भिनगा की सड़कें जवानों के बूटों से गूंज उठीं।